किसी गरीब के घर में चोरी दुश्मनी की वजह से हो सकती है, चोरी की नियत से नहीं। गरीब के घर में चोर क्या करेगा आके? जी हैं, बल्कि जो कमा के लाया हो वो भी रखना पड़ जाएगा। गरीब के घर में चोरी नहीं होती, चोरी वहां होती है ना, खजाना होता है। इसीलिए सारी दुनिया के चोर मजहब इस्लाम के किले में लगे हुए हैं कि इस किले में चोरी करो, क्योंकि दौलत तो इस्लाम पे ही है। दुनिया में कोई नजरिया, कोई इज्म, कोई मजहब, कोई धर्म जना वाला इतना दौलतमंद है ही नहीं जितना दौलतमंद हमारा मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, जितनी दौलत है हमारे इस्लाम में है, कहीं है ही नहीं। इसीलिए सारी दुनिया के चोर जनाब वाले लगे हुए हैं मजहब इस्लाम के किले उड़ाने में, और ये जनाब वाला आज से नहीं लगे हुए, बल्कि जब से मजहब इस्लाम आया तब से ही लगे हुए हैं। मगर अल्लाह का वाह है, उसका रसूल हाजिर नाजिर है, और चांद सूरज की पूरी निगाहें गवाह है। जनाब वाला कतरे फाड़ने वाले और जनाब वाला इसमें नकद लगाने वाले तबाह बर्बाद हुए और सबके सिरादे बिखर गए। मगर खुदा की कसम हमारी अजमत का सूरज कल भी रोशन था और कोई फर्क नहीं पड़ा। निकाली सैकड़ों नहरें, अरे थोड़ी देर मुझे भी अपने गांव का ही समझ लो यार। कई बार आ गया तो गांव का ही समझ लो। अल्लाह आवाज रखे, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा मगर फिर भी मेरे दरिया की तुबियानी नहीं जाती। जिस मोमिन को मिटाने पे लगे हुए हैं, तवज्जो है यार, अब इसका फायदा सुनो। इस मोमिन का ईमान वाला, खाली कलमा पढ़ने वाला नहीं, ईमान वाला जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत का चराग रोशन हो और गर्दन में हुजूर की गुलामी का पट्टा पड़ा हो, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा हो, वो ईमान वाला जनाब वाला जो मुस्तफा जाने रहमत पे आंखें बंद करके ईमान रखता हो। जो नबी ने कह दिया वो कह दिया, उसी पे अमल कर लिया। आमन्ना व सद्दकना, ये होते हैं जनाब वाला नबी के गुलाम, ये होते हैं मोमिन। अल्लाह जलाए खैर दे भाई तुम लोगों को। अब सबसे पहले तो इस मोमिन की उपलब्धि सुनो, हमें मारने और मिटाने पे उतारू है दुनिया, मगर इन्हें ये पता नहीं है कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हैं तो सब हैं। जी जी बेशक बेशक, तवज्जो है, हम हैं और हम नहीं हुए तो कोई नहीं होगा, न जमीन होगी ना आसमान होगा ना निजाम होगा ना सिस्टम होगा ना नजारे होंगे ना बहारें होंगे ना पहाड़ होंगे ना पेड़ होंगे ना दरिया होंगे। ये एक मोमिन की उपलब्धि है, एहसान मानो इस मोमिन का कि ये मोमिन जिंदा है जमीन के पर्दे पे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, वो नबी फरमाते हैं, जिस नबी की जबान अल्लाह की कसम उसकी शान ये है, जबान की शान, करोड़ों दुश्मन है जमाने में आज भी मुस्तफा के और कल भी थे मुस्तफा के दुश्मन, मगर रिकॉर्ड है इस हिस्ट्री का जनाब, ह्यूमन हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, आज तक किसी भी दुश्मन ने मेरे नबी को कभी झूठा नहीं बताया। मेंटली डिस्टर्ब कहा, मजनून कहा, मखबूतुल हवास कहा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कभी झूठा नहीं बताया। बल्कि बहुत बड़े बड़े दुश्मन जनाब वाला कल भी सच्चा कहने में मजबूर थे और आज भी सच्चा ही कहने में मजबूर है। कल अबू जहल जैसा दुश्मन भी ये कहने पे मजबूर है कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। अबू लहब जैसा दुश्मन भी एक दिन ये कहने पे मजबूर था कि मेरा बेटा आप मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया। बोले क्या हो गया? बोले मोहम्मद की जबान से निकल गया, और मोहम्मद की जबान ऐसी है कि आधी रात में अगर दिन कह दे तो आधी रात में सूरज निकल आए, और आधी रात में अगर दिन कह दे तो
आधी रात में सूरज निकल आए और बीच दिन में अगर रात कह दे तो बीच दिन में दुनिया को तारे नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके अल हजरत मसलके अल हजरत और नए अहले सुन्नत मुफ्ती साहिब किबला इससे ऐसे ही नारे लगवाते रहोगे तुम भी कुछ करोगे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये बेचारे कब तक लगाएंगे ना, तुम भी तो कुछ लगाया करो और कब सुबह कोई आएगा खुद ही तकरीरें करें खुद ही नारे लगा लें, तुम भी तो कुछ किया करो। एक मोमिन सुभान अल्लाह मोमिन जैसे सैयदना गौसे आज़म मीरे मीरा पीरे पीरा शायद मीना गौसे पाक महबूब सुभानी गौसे समदानी शहबाज अल्लाह मक्खनी सरकार मुहीद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी जनाब वाला हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी शाह विलायत अमरोही सुल्तान उलारे फिन बदायूनी और जनाब वाला मेरे शाहजी मियां पीलीभीती आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी और जनाब सैयदना मखदूम असद जागीर समनानी की जोजवी शाह अलाउल्लाह पंडवी बाबुद्दीन बख्तियार काकी हमीदुद्दीन नागौरी अलाउद्दीन साबिर पक अली अली जनाबे वाला ये वो हस्तियाँ हैं जो मोमिन है। मोमिन जनाबे वाला सलामत तो अल्लाह की कसम सारी दुनिया सलामत है, हमारा पहला एहसान है, हमारा पहला एहसान है पूरी दुनिया पर, यहूदियों पर एहसान ईसाइयों पर एहसान, सब जिंदगी गुजार रहे हैं जनाबे वाला हमारी वजह से गुजार रहे हैं जिंदगी, हम ना हुए तो कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। ये बात हम नहीं कहते, हमारे मदीने वाले मुस्तफा कहते हैं जिनकी जबान की शान ये है कि जनाबे वाला उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। वो पैगंबर फरमाते हैं कयामत कायम नहीं होगी, जोर से बोलो, कयामत कायम नहीं होगी उस वक्त तक जब तक के जमीन पर कोई मोमिन सलामत हो। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया जनाब वाला के मोमिन सलामत है तो दुनिया सलामत है, मोमिन सलामत है तो जमाना सलामत है, मोमिन सलामत है तो जनाब वाला ईसाई सलामत है, यहूदी सलामत है, पूरी दुनिया सलामत है। और जिस दिन मोमिन न हुआ तो खुदा की कसम इट वुड बी लास्ट एंड फाइनल डे, जिस दिन मोमिन न हुआ वो दुनिया का आखिरी दिन होगा, जिस दिन मोमिन न हुआ उस दिन जनाब वाला जमीन की तनाबे समेट ली जाएंगी और आसमान को जनाब वाला खत्म कर दिया जाएगा, दुनिया के नजारे और बहारे सारी की सारी जनाब खैर बात कह के चली जाएंगी। मोमिन है तो याद रखना सब है, बल्कि यूं कहो मोमिन है तो जिंदगी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आबाद रखे सर सब शादाब रखे रोशन आमीन। तुम्हारे साथ साथ उनका भी जिन्होंने तुम्हारे साथ नारों का जवाब दिया आमीन आमीन। बड़ा अच्छा लगता है जब तुम बचपन से नारा लगाता तो ऐसा लगता है कि हाँ समझ में कोई बात आ रही है, एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गई कि हमारा कितना बड़ा एहसान है। मगर जनाब मोमिन का एहसान है, हम कलमा पढ़ने वाले लोग और जनाब वाला कलमा पढ़ पढ़ के माजल्ला सदबान माजल्ला तरह तरह की बुराइयों और बेहयाइयों से जूझने वाले लोग जनाब वाला ये हजरात मोहतरम ये बल्कि वो खुदा की कसम जिनका चेहरा देखा जमाने ने तो ये कहने पर मजबूर हो जाए जमाना के जब ये ऐसे हैं तो इनका इमाम कैसा होगा, जब ये शान वाले हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की शान। ये है जनाब वाला एक मोमिन जो पूरी दुनिया के लिए जनाब पेड़ है, सायेदार पेड़ है कि जनाब ये पेड़ सलामत है। लाख पत्थर मार रही है दुनिया मगर चबर का हाल देखो फल देते चले जा रहे हैं, हम है तो जिंदगी है। लोग कहते हैं लाइफ बाय है, जहाँ जिंदगी है वहाँ लाइफ बाय है, जहाँ जनाब वाला जिंदगी है वहाँ, मगर मैं कहता हूँ मोमिन है जहाँ अरे मोमिन है जहाँ लाइफ है वहाँ मोमिन है, जहाँ जीवन है वहाँ मोमिन, जिंदगी का नाम है मोमिन, सलामत है तमाम सलामत। ये बात मेरी नहीं है बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की है, जिस मदीने वाले मुस्तफा के पीछे आए पूरा मेडिकल जनाबे वाला मुस्तफा की फॉलोइंग कर रहा है, पूरी मेडिकल लाइन मुस्तफा की फॉलोइंग करती है, जियोलॉजी लाइन बायोलॉजी लाइन मुस्तफा की फॉलोइंग करती है, जरा जोर से कहना सुभान अल्लाह, सिर्फ हिकमत की लाइन मुस्तफा जान रहमत की फॉलोइंग करती है, खुदा की इज्जत की कसम पढ़ने वालों की दुनिया
दुनिया में जाइए, सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत को इसलिए पढ़ा जाता है कि मोहम्मद की एक एक बात में हजार हजार हिकमतें होती है। यहूदी पढ़ते हैं मुस्तफा को, ईसाई पढ़ते हैं मुस्तफा को, और हमारी कम नसीबी से वो जनाबे वाला पढ़ते हैं मुस्तफा को, और हम पढ़ते हैं अल्लाह को, तैनिक जहानों को, हम कभी मुस्तफा को पढ़ते ही नहीं। अफसोस तो इसी बात का है, हमारे नबी बचना वाले इनको कितने जान दे देंगे, हमारी जाने को माने जना वाले, पढ़ने वाले कितने लोग हैं, उनसे सबक लेने वाले कितने लोग हैं, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को पढ़ने वाले कितने लोग हैं हमारे बीच में। अमर उजलिया फुर्सती नहीं मिलती, अमर उजलिया से थोड़ी बहुत मिल गई तो व्हाट्सएप किया और फेसबुक किया। सोचता ही नहीं, लम्हे फिक्रिया है, यू हैव नो माइंड जनाब, ऐसी सोच नहीं है। काश तुम नबी पाक को पढ़ते, वो यहूदी आज भी पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत को पढ़ते हैं, वो उनकी हदीसें पढ़ते हैं, और हम हदीसें कहाँ पढ़ रहे हैं जनाब, कौन पढ़ा रहा है हमें हदीसें वाले हदीसें पढ़ने वाले बीमारियां हो रही है, और जनाब वाला कुरान पढ़ने वालों के सेहते हो रहे हैं, मजाक में उड़ रही है, उनकी बदबोइयां हो रही हैं, और चौराहों पे जनाब उनकी चुगलखोरियों के बाजार गर्म हो रहे हैं, मौलवी नहीं कर दिया। कभी अपने गरेबान में झांक नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ जनाब वाला, कभी नहीं देखा जनाब वाला कि हम क्या कर रहे हैं। रात मोहतरम हदीसें पढ़ो, मेरे मुस्तफा की हदीसें पढ़ो मुस्तफा की, और जनाब वाला सबक हासिल करो मुस्तफा की हदीसों से। दुनिया मुस्तफा की हदीसें पढ़ पढ़ के कहाँ पहुँच गई, और हम अमर उजाला पढ़ पढ़ के कहाँ पहुँच गए जी। गलत कह रहे हैं। अरे आज पढ़ते हैं तो कितनी जनाब वाला कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मिसाल के तौर पे एक हदीस मेरे नबी की है, इजाजत है सुन लूं जी। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, या आयशा लौशितु लसारमा यहा जबल रहबा, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। ये हदीस है नबी की, ये हदीस अमेरिका पहुंची, यहूदियों ईसाइयों ने पढ़ी, दानिशवरों ने पढ़ी, संजीदा लोगों ने पढ़ी। जब मुस्तफा जाने रहमत की इस हदीस को बाकायदा रखा गया उनकी बैठक के बीच में, सब लोड़ के वो लोग बैठे, तो जनाबे वाला आपस में बोले कि मशीन ले चलो उस पहाड़ के नीचे, तवज्जो है, कंप्यूटर उठाओ, मशीनें उठाओ, और उस पहाड़ के नीचे ले जाकर रख दो, हो ना हो उस पहाड़ के अंदर सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की जबान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत की हदीसें पढ़ रहे हैं तो जनाब वाला फायदे उठा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे, हम तो पढ़ रहे हैं अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार चौधरी बने घूम रहे हैं जनाब वाला, सूरमा बने घूम रहे हैं, बैठ को मैं अखबार के अलावा कुछ मिलते ही नहीं। कोई ज्यादा पढ़ लिख गया, थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लिख गया जनाब वाला, ए से लेकर ज़ेड तक थोड़ा सा पढ़ लिया, बोलने का थोड़ा सलीका आ गया, तो उसकी बैठ को हिंदुस्तान टाइम मिलेगा, टाइम ऑफ इंडिया मिलेगा, और जनाब जो मिलना चाहिए था वो ताक के अंदर मिलेगा, और वो भी ऐसा मिलेगा एक हाल में मिलेगा कि उस तक गर्द चढ़ गई होगी, गुब्बारा अट गया होगा, एक एक महीना ना कोई औरत कुरान खोलने तैयार है, ना कोई मर्द कुरान खोलने तैयार है, हिंदुस्तान टाइम्स टेबल पे रखा हुआ है, चल जनाब वाला धनत्तर बने घूम रहे हैं, कपड़ों से बाहर निकले घूम रहे हैं, माज अल्लाह। और लोगों अपनी हैसियत पे गौर करो, तुम क्या हो और क्या बनने जा रहे हो। दुनिया जनाब नबी से फायदा उठाती है, दुनिया कुरान से फायदा उठाती है, और एक हम है कि हम जनाबे वाला अपना छोड़े पड़े और गैरों को इख्तियार करे पड़े। यही वजह है कि जनाबे वाला हम आसमान से जमीन पे गिर गए, और जनाबे वाला दूसरी कौमें जमीन से उठी और आसमानों पर चली गई। कभी सोचते भी हो, फॉर एग्जाम्पल हमारी मस्जिदों में जब आने होती है, अजान हो रही है तो कोई जनाब कोई बातें कर रहा है, अजान हो रही है तो कोई जनाब वाला चुगलखोरियां चल रही हैं, अजानें हो रही हैं तो शोर मच रहे हैं, अजानें हो रही हैं तो औरत घर में ये कह रही है, बेटे टीवी की आवाज़ स्लो कर दे, बंद मत करिए, टीवी की आवाज़ स्लो कर दे, बंद मत करिए, तीन वक्त चार या बंद मत करिए जनाब वाला। ये औरतें हमारे घर की कह रही हैं, ये हम हैं, हम
हम अपनों से फायदे नहीं उठा रहे जनाब वाला, और तरह तरह के फिर कहते हम मर गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, तबाह हो गए। और तो कहती बेटे अधान हो रही है, तेरी मेहनत करना, बहुत अच्छा सीन आ रहा है, ऐसा सीन चलेगा कवर में, होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे, कब कप कपियां तारी हो जाएंगे, एक एक ओम तक खड़ा हो जाएगा, पता ही क्या है जनाब वाला, एक हम है अजान हो रही है, कोई बात ही नहीं है, हमारे बेटों को देखो, जवानों को देखो, तो गप्पो शप्पो में लगे हुए, बुड्ढों को देखो, तो मस्जिद के दरवाजे पे खेल रहे हैं बुड्ढे, मैंने अपनी आंखों से बुड्ढों को खेलते हुए देखा, सत्तर साल के बेगैरत बूढ़े जनाब वाला मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल रहे हैं, बग्गी बाग खेल रहे, मैंने आंखों से देखा, मस्जिदों के दरवाजों पे अजान हो रही है, बोले सच बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, सत्तर साल के बेशरम बूढ़े मस्जिदों के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल रहे जनाब वाला, कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, और उसी में कुछ कुछ जनाब अभी तक आराम हो रही है, कोई मतलब ही नहीं है कि आराम क्या चीज होती है, और वो जिसके खिलाफ मैदान में आते हो जो है, एक ऐसे आदमी का नाम लूंगा, नाम नहीं लूंगा समझ जाओगे, मुसलमान नहीं है वो, मुसलमान नहीं है वो, नाम नहीं लूंगा, देश की बड़ी कुर्सी पे है, तवज्जो है, बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हैं वो, लाखों का मजमा, भाषण जोरों पर, भाषण को अच्छा करते हैं, भाषण जोरों पर है, इसी बीच में करीब में एक मस्जिद से अजान की आवाज आ गई, तो भाषण को तेज कर देना चाहिए था जनाब वाला, मगर नहीं, उन्होंने दोनों माइक सरेंडर कर दिए, और सरेंडर करके नीचे कबो तुम अपनी आंखों से भी देख सकते हो, मौजूद है जनाब वाला, नेट पे मौजूद है, जो दोनों माइक सरेंडर कर दिए, और सरेंडर करके ये कहा अपनी कौम से, अपनी जनता से, प्लीज कीप साइलेंस, शांति बनाए रखें, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुन लो, दुनिया फायदा उठा रही है, और हमें जनाब वाला बुड्ढा बग्गी बाग में है, और नौजवान अपनी गप्पो शप्पो में है, और टीवी में, जी जी अब कभी सोचते हो ये बच्चा क्यों क्यों हंस रहा है बेटा, तुम्हें कोई लतीफा सुना रहे हैं, मैं कोई जोक सुना रहे हूं, यानी समझ भी ऐसी हो गई हमारे बच्चों की, उन्हें यही पता नहीं चलता लतीफा क्या है और सोच क्या है, हर बार बात दर्द फाड़ जाए बेटा, अबे दांत फाड़ने वालों कभी अपनी अकल से सोचो कि वो जमीन से उठे आसमान पर पहुंच गए, और हम आसमान से टपके जमीन पे आ गए, तो इसके पीछे कारण क्या है, एक कारण ये है कि हमने अपने हीरे मोती जेबों से निकाल निकाल के जमीन पे फेंक डाले, और हमारे ही हीरे मोती दुनिया ने पकड़ लिए, और वो कामयाब हो गए, हम जनाबे वाले अजान की ये कदर करते हैं, और उन्होंने अजान की ये कदर की, और लोग कहते मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अबे हो सकता है इसी अजान की एहतराम की वजह से उसे ये कुर्सी मिली हो, और उसी अजान की बद एहतराम की वजह से हम दलील हो गए, हम दलील होते हो, तुम जानते हो अजान के बारे में जनाब वाला, अजान खुदा की कसम सदाए तौहीद है अजान, सदाए रिसालत है अजान, मस्जिद के मीनारों से जब बुलंद होती है अजान, अल्लाह की कसम शैतान दूर दूर तक भाग जाया करता है, मेरे नबी फरमाते हैं शैतान भाग जाता है, अजान को तुम मामूली समझते हो, और लोगों अजान एक फार्मूला है, अजान एक नुस्खा है, अजान नुस्खा कीमिया है, अजान जनाबे वाला हमारा बैकग्राउंड और हमारा 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 पसे मंदिर और पेश मंदिर है, अजान जनाबे वाला जब होती है दुनिया की ताकूती ताकतें हिलने लगती है, अजान से बलाओं का खात्मा होता है, अजानों से कोरोना जैसी बलाएं भाग जाती है, अजानों से बीमारियां तबाह हो जाती है, अजानों से खुदा की कसम बर्बादियां तो बर्बाद हो जाती है, और खुदा की कसम आबादियों का आबादियां एक नई कैमत लेती है, इसीलिए कहा गया है बारिश ना हो तो अजान पढ़ो, बारिश ज्यादा हो तो अजान पढ़ो, गंगा फैल जाए अजान पढ़ो, जालिम सर पर बैठ जाए अजान पढ़ो, तुम्हारे घर में कोई मुसीबत आ जाए अजान पढ़ो, तुम्हारा दिल अगर बेचैन बेकरारों में आतुर हो जाए मुस्तरिब हो जाए तो अजान पढ़ो, तुम जितनी अजान पढ़ोगे अल्लाह की खास रहमत है, ऐसे ही तुम्हें डरती हूँ जिंदाबाद जिंदाबाद।
वो फायदा उठा रहे नाम वाला और हम हमारे लिए और थनस्तर बने घूम रहे हैं, सूरमा बने घूमते हो। ए लोगो, सोचना है हमें कि हम जनाबे वाले जब हमारा एहसान है रवाने पे, तो हमें अपनी शख्सियत को समझना होगा कि हम कितने पावरफुल लोग हैं, हम कितने ताकतवर लोग हैं, हम जनाब कितने कदावर लोग हैं, हम हैं कि सारी दुनिया हमारी वजह से है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह और तड़प के कह दो। हम तालियों में ही मर गए, कोई जरा हलाल है, कोई जरा हराम है, कोई जरा बंद करो, कोई जरा बोलो। दो तरह के लोग हैं, कोई जरा हंसे हंसे मरे, और कुछ याद नहीं है। इमाम हुसैन की जिंदगी कभी नहीं पड़ी, इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद नहीं किया, इमाम हुसैन के जज्बे इशार को नहीं समझा, हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की शख्सियत को नहीं पढ़ा, इमाम पाक की सही शख्सियत के क्या मुतालबात है, क्या मुक्तदियात है और क्या जनाब मुतलबात है कभी नहीं सोचा हमने। डिमांड्स क्या है मुस्तफा जान अहमद के शहजादी की जिंदगी के, हमने कभी नहीं सोचा। अब जनाब वाला उन्हें देखो, गांधी जी नाम है इनका, मुसलमान नहीं है। अब वो कैसे फायदा उठा रहे हैं इमाम हुसैन का जनाब वाला, हमने कभी फायदा उठाया हो तो बताओ। जी तवज्जो है जी। हम कभी फायदा उठाते हो तो बताओ, और उनको देखो वो कैसे फायदा उठा रहे हैं। वो लड़ते रहे अंग्रेजों से, लड़ते रहे अंग्रेजों से, मनहूसों से लड़ते रहे, नाकाम होते रहे, भारतवासियों की लाशें पेड़ों में झूलती रही। मेरठ से लेकर दिल्ली तक सड़क पर कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पेड़ पर किसी भारतवासी की लाश न झूल रही हो। लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, आखिरकार कामयाब नहीं हुए। और जनाबे वाला फिर वो कहते हैं कि फिर मैं कामयाब कैसे हुआ, मैंने भारत को आजाद कराने में जो जतन किए वो इस भारत की आजादी मैंने कैसे हासिल की। तो जनाबे वाला हमने पूछा, तुम पढ़ सकते हो, गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, वो कहते हैं मुसलमान नहीं है, मगर कहते हैं आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन हाउ टू एचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। उनके अल्फाज है, वो कहते हैं ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी। जोर से कहे सुभान अल्लाह, ये बात मैंने इमाम हुसैन से सीखी कि मजलूमियत के हाल में जंग कैसे जीती जाती है, मजलूम होकर भी जंग जीती जाती है, मजलूम होकर भी जंग जीती जाती है। ये मैंने इमाम हुसैन से सीखा है कि वो कर्बला में मजलूम थे मगर जंग जीत गए, वैसे तो बर्बरियत के पहाड़ उन पर तोड़े जा रहे थे, जंग जीत गए, खाना बंद और पानी बंद, इसके बावजूद वो जंग जीत गए। मैंने ये बात इमाम हुसैन से सीखी कि किस तरीके से जंग जीती जाती है। इसका मतलब भारत की आजादी के पीछे अगर कोई बैकग्राउंड है तो खुदा की कसम इमाम हुसैन की रात है, इमाम हुसैन की वजह से ये देश आजाद हुआ है, कर्बला वालों की वजह से ये देश आजाद हुआ है। कितना बड़ा फायदा हासिल कर लिया कि इमाम हुसैन की जिंदगी को पढ़ा तो सबक हासिल कर लिया। एक हम है, हत्या के सिवा कुछ याद ना रहा, तालिये तारी और जनाबे वाला बनाए ना बनाए इसके अलावा कुछ याद ना रहा, हम रातें मोहतरम और सीने कूटने के अलावा कुछ याद नहीं रहा, और वो है कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने। और जनाबे वाला उन्होंने इमाम हुसैन से ही सबक हासिल कर लिया, आई हैव लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। ये उन्हीं के अल्फाज है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाबे वाला दुनिया फायदा उठा रही है, मुबारकबाद, शुक्रिया। कोई परेशानी तो नहीं है, खत्म कर लें और रह गए 11-12 मिनट, घंटा तो पूरा कर ही लूं। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे।
इन बातों को सोचने की जरूरत है। जी जी बेशक जी, हमें गौर करने की जरूरत है। बेशक हम पढ़ें, मगर आप पढ़ेंगे कैसे जनाब वाला? आप तो कुरान भी नहीं पढ़ पाते, हदीस भी नहीं पढ़ पाते। आप में से कितने लोग इमाम साहब पे सीना जोरी करते हैं, और इमाम साहब से कहते हैं इमाम साहब तुम तो पढ़े हुए, हम तो जाहिल रह गए, हम तो कुबट रह गए। बुड्ढे बुड्ढों को मैंने कहते हुए देखा इमामों से, तो बुड्ढे कहते हैं हम तो कुबट रह गए, हम तो कुबट रह गए, तुम तो पढ़े हुए हो। मैं कहता हूँ तुम कुबट क्यों रह गए? अभी तुम्हारा नहीं है, तेरे जनाबे सजा नहीं है, तेरे चने नहीं हुए, तेरा दसवां नहीं हुआ, तेरा बीसवां नहीं हुआ, तेरा चालीसवां नहीं हुआ। तू चाहे तो आज पढ़ ले, तू अभी जिंदा है, तू आ जा मदरसे में, मौलवी के पास आकर बैठ जा। मैं गारंटी लेता हूँ, इमरान हंसी मुरादाबादी गारंटी लेता है, तू जानू अदब तय तो कर ले मौलवी के सामने, रजा उलूम जैसे मदरसे में आ तो जा, सारी उम्र के सामने बैठ तो जा। 15 दिन में इंशा अल्लाह अगर तू बैठेगा तो 15 दिन के अंदर अंदर तेरा सीना कुरान के इल्म से मालामाल हो जाएगा, कुरान जरा तेरे सीने में दाखिल हो जाएगा। इसलिए कि कुरान बिला सुबह है नहीं है, कुरान इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, इतना हार्ड है, इतना हार्ड है। मेरा अल्लाह फरमाता है अंजलना हादल कुरान वाला जब लिल रायतहु खशिया मुतसदिया मिन खशियतिल्लाह। मेरा अल्लाह फरमाता अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उठाते तो पहाड़ इसकी ताब नहीं ला सकता था। पहाड़ रेता रेता दिखा जाता, रेता रेता दिखा जाता, इतना हार्ड है कुरान, और कुरान इतना हार्ड है कि इस जनाबे वाला इस अमानत का बोझ जमीनें उठा ना सकी, आसमान उठा ना सके। हजरत मोहतरम मगर इंसान ने इस अमानत के बोझ को उठाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, इतना हार्ड है कुरान, मगर इस हार्ड होने के बाद भी इतना इजी है कुरान, इतना इजी है कि मेरे रब ने फरमाया हाँ हाँ हार्ड इतना है कि पहाड़ पे चल देगा, और आसान इतना है। अल्लाह फरमाता वाला कद यसनल कुरान लिज़िक्र बहल मुंतकिर, और हमने कुरान को आसान कर दिया है याद करने के लिए। है कोई याद करने वाला? है कोई याद करने वाला? अरे तुम तो 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, तुम 40 साल के हो गए। रज़ा उलूम में आके देखो, 8 बच्चों की दस्तारें होंगी, मुबारकबाद रज़ा उलूम के स्टाफ को, कमेटी को, मुबारकबाद ठकिया वालों को, उन्हें जिन्होंने इस मदरसे के चराग में तेल डाला, उन्हें जिन्होंने जनाबे वाला इस मदरसे के स्टाफ के सीने से सीना और शाना से शाना मिलाकर आगे बढ़ने के हर जतन किए, सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद। अभी देखोगे किसी की उम्र 12 साल की होगी, किसी की उम्र 15 साल की होगी, किसी की उम्र 16 साल की होगी, किसी की उम्र 11 साल की होगी। 11 साल के बच्चे के में कुरान, 11 साल के बच्चे के सीने में कुरान है, 12 साल के बच्चे के सीने में कुरान है। और सलाम करता हूँ उन सालों को जो रात दिन 24 घंटे 8 पहर खुदा की कसम, खुदा की कसम, इन बच्चों पर मेहनतें करते हैं और कुरान जैसी दौलत को उनके सीने में मुंतकिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, जबकि जनाबे वाला इनका पूछने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। लोटा इधर रखा क्यों रखा है, ये सवाल करने वाले बहुत हैं। मगर हजरत आज आपने इन बच्चों को पढ़ाया, आपने खाना भी खाया, आपने चाय भी पी, आपका भी आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका कोई मसाला तो नहीं है। पूरी कौम और पूरी संस्था में जनाबे वाला इन दुखियारों से कोई पूछने वाला नहीं है कि आपका कोई दुख भी है या नहीं है। कितना अजीम उत्साह किया, काम किया कि 30 पारे खुदा की कसम बच्चों के सीनों पर तकल कर दिए। हजरत मोहतरम जरूरत इस बात की भी है कि हम इन असातिज़ाए किराम की तकलीफों को भी समझा करें, इनके मसाइल को भी समझा करें, इन उस्तादों के पास भी आए और इनसे पूछे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हजरत आगे बढ़ता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ 11 साल के बच्चे के सीने में कुरान है, 12 साल के बच्चे के सीने में कुरान है, 15 साल के बच्चे के सीने में कुरान है। तुम कहते हो 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, हम कुबट रह गए। क्यों रह गए कुबट? चाहिए कुरान तो इतना आसान था। 11 साल के बच्चे के सीने में कुरान और 11 तो बहुत हो गए। हमने तो हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड देखा है हिस्ट्री में, हमने माओं के पेटों में है बच्चे और उन्होंने कुरान को हिस्स कर लिया है। मिसाल के तौर पर कुरान के नारे तकबीर अल्लाह।